तो 80 रुपए के हिसाब से 1 क्विंटल 100 किलो हो रही है, यानी कि 8,000 का माल अपना रेगुलर हो रहा है, फूल आने लग गए, पौधा इतना ही बड़ा है। हाँ, बस ये समझ लीजिए फूल के बाद अब इसमें ये कलियां लगना चालू हो गई, यानी 1 महीने का 2,40,000 का अपना हो रहा है। इंदौर शहर के पास है, बिल्कुल इंदौर शहर के बीच, इंदौर के बीचों बीच ही है, खेत है, करोड़ों रुपए की जमीन है। जितनी रोटियां शहर वाले खाते हैं उतनी तो गांव में बची जाती है, जो गाय को डाल देते हैं। कम से कम आधा आधा एकड़ जमीन में सब्जियां कुछ अलग अलग तरीके लगाओ, उससे सीखने को ही मिलता है और माल भी बिकता है, और क्या है कि पैसे आते रहते। बालो लगाई है, इधर मैंने फूल लगाए, उधर लौकी लगाई है, उधर हल्दी लगा, जो मेरे को क्या है सारी चीज़ों का अलग अलग पैसा मिलता है। लोग भेड़ चाल चलते हैं, उसकी वजह से मार खाते हैं, लालची लोग है और वो उससे कुछ भी नहीं होता है, ये सब हत्यारे लोग हैं, इनका तो बस वो मरण ही होता है, कभी इनको नुकसान ही होना है। हेलो, जय श्री राम एवरीवन, आप सभी किसान भाइयों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ा लिखा किसान पर। आज मैं आया हूँ इंदौर के बीचों बीच, मतलब राउ साइड में एक फार्म है जहाँ पे मैं आया हूँ। 4 एकड़ का यह फार्म है, यानी कि 8 बीघा। आपको पता ही है जिस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं, 27,000 स्क्वायर फीट का मेजरमेंट होता है। तो जो इस फार्म पे खेती करते हैं, हमारे साथ है उनके ओनर लखन जी चौधरी जी। नमस्कार। तो सर का यह फार्म है, तो उनसे हम पूरी जानकारी जानेंगे। उन्होंने यहाँ पे विभिन्न तरह की फसलें लगा रखी है, यहाँ पे उन्होंने छोटी बालोर लगा रखी है, लौकी लगा रखी है, जिसके अलावा फूल भी लगा रखे हैं, हल्दी अदरक जैसी कई सारी विभिन्न तरह की खेती इन्होंने यहाँ पे ट्राई कर चुके हैं। तो इनका अनुभव से इनका पूरा फार्म भी घूमेंगे, देखेंगे कहाँ पे इन्होंने क्या क्या लगा रखा है, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो सबसे पहले आप जैसे इधर साइड देख सकते हैं, इन्होंने लगा रखा है शॉर्ट बालोर, तो इसके बारे में सर से थोड़ा जानते हैं, पहचानते हैं, मतलब क्या क्या इन्होंने किया है, कितने साल से इस बालोर को कर रहे हैं, कैसी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रहती है, फ़ायदा रहता है या नहीं रहता है, रोग कौन कौन से होते हैं, तो ये सब बातें इनसे जानते हैं। तो सर सबसे पहले बताइए कि ये कौन सी बालोर है, कौन सी किस्म की और कितने साल से आप कर रहे हैं? इसको हाइब्रिड बालोर बोलते हैं। पर ये हाइब्रिड बालोर जो कि खड़े पौधे में ही होती है, खड़े देसी बालोर बेल पर चलती है, अभी लगाने से वो 3 महीने बाद चालू होती है। ये क्या है, बारिश अगेती मतलब खेती इसको बोल सकते हैं अपन, इससे लाभ बहुत अच्छा होता है। अगर उत्पादन अच्छा हुआ तो लाभ बहुत अच्छा होता है। ये अभी जैसे ही चालू होगी करीब 60 से 80 रुपए किलो बिकेगी। एक एकड़ में अपन ने लगाई है, एक एकड़ में समझ लो आपकी 1 क्विंटल माल रोज़ निकलेगा, एक क्विंटल अगर रोज निकलता है, इसमें 2-3 बार बाहर अच्छी आएगी। इसको लगाने के बाद इसमें फिर अपन अगाती खेती वापस कुछ भी लगा सकते हैं, जो भी अपने को उचित लगे, गोभी लगा लो या कोई अगैती सब्जी धनिया डाल दो, तो उसका क्या है कि रिजल्ट वापस कुमार महीना जो आता है, मतलब कि बारिश के बाद वाला, उसमें भी अच्छा भाव आ जाता है। तो इसका कितना मतलब समय चक्र रहता है? इसका समय चक्र ये 3 महीने में खत्म हो जाएगी, बोने से लगा के पूरी फसल खत्म होने तक में 3 महीने में खत्म हो जाएगी। और रोज 1 क्विंटल का अपन को, रोज 1 क्विंटल चालू लगाने के कितने दिनों बाद ही अपन को मतलब डेढ़ देना चाहिए? डेढ़ महीने बाद, डेढ़ से 2 महीने में सारी सब्जियां 1.5 से 2 महीने में चालू होती है। जैसा कि आपने रेट बताया इसका 80 रुपए किलो से चालू होती है, अगेती फसल है तो अगेती में इतना आता नहीं है, आवक ज्यादा नहीं होती फसल की, तो ऑब्वियसली है कि रेट ज्यादा मिलना ही है। तो यहाँ पे इस हिसाब से अपन देखें तो 80 रुपए के हिसाब से 1 क्विंटल 100 किलो हो रही है, यानी कि 8,000 का माल अपना रेगुलर हो रहा है बिल्कुल अकेले अपने 1 एकड़ फार्म से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब चलिए अपन बात करते हैं इसमें कितना आपकी लागत आ जाती है, किस तरीके से आप मतलब खेत को तैयार करते हैं? इसमें खेत क्या है कि हम इसको 15 मई के बाद बो देते हैं, 15 मई ट्रैक्टर से इसको गरड़ निकाल देते हैं। भाई जिसके पास भी गर्मी का पानी हो, जिसके पास गर्मी में आखिरी तक पानी हो बारिश तक का, वो इस चीज़ को लगा सकता है। 15 मई के बाद इसको लगा दो, एक एक बीज डलता है, एक एक समझ लीजिए आप 6 इंच की दूरी, हाँ 6 इंची समझ लीजिए आप, 6 से 8 इंची। अब तो खेत बीज उतना अच्छा नहीं आता है, ये पहले बहुत अच्छा आता था। तो इसको क्या है बहुत कम लोग लगा पाते हैं, इसमें कीड़े लगते हैं, पर हम लोग क्या है टाइम पे मच्छर की दवाई देते रहते हैं, कम खर्च में भी काम हो जाता है। क्योंकि इसको लगाने के बाद जैसे ही फूल आते हैं बारिश चालू हो जाती है और फिर कोई इल्ली पड़ती नहीं है, इल्ली पड़ती भी 1-2 बार दवाई देते हैं, पर रिजल्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब इसका जो है टोटल खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये होगा आखिरी तक में, आखिरी एक एकड़ का। हाँ, खेत वेत सब तैयार, सब तैयार करके। तो जैसा कि आपने देखा एक दिन का प्रोडक्शन है 1 क्विंटल, यानी कि 8,000 का अपन ने यहाँ पे गणित लगाया, और खर्चा टोटल आ रहा है अपना आखिर तक का यानी कि 3 महीने का 8,000 के आसपास टोटल एक एकड़ में। तो सही है, ज़्यादा अपना ट्रैक्टर का भी यूज़ नहीं होना है, डीजल बहुत कम खर्चे है। इसके बाद दूसरी फसल लग जाती है ना, अभी अगर अपना राखी के टाइम में अगर मान लो या अगस्त वाला, जैसे अगस्त तक खत्म हो जाएगी है, 1 महीना ही चलना है अभी समझ लो आप, तो अगस्त तक में अगर मौसम साफ रहता है तो फिर इसमें कोई फसल लगा देंगे अपन। जैसा कि अभी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये जो पौधा है अपना, हाँ, तो इसमें यहाँ पे फूल आने लग गए, पौधा इतना ही बड़ा है। हाँ, बस ये समझ लीजिए फूल के बाद अब इसमें ये कलियाँ लगना चालू हो गई है, कलियाँ लगना, ये कलियाँ बालोर की कलियाँ हैं। तो इसमें जो ये बालोर का वजन होता है तो ये पौधा इधर उधर मतलब सब होगा, लेकिन पौधा जैसे जैसे
ताकतवर भी तो होता जाएगा ना। बिल्कुल, वो तो सही बात है। इसमें भाई क्षमता है उसकी, खड़े पौधे में क्षमता है तो रहेगा वो। और जैसे कि अपन देख सकते हैं यहाँ पे खरपतवार भी आपके खेत में इतनी ज्यादा नहीं दिख रही हो रही है, लेकिन इसमें क्या खरपतवार का रहता है? खरपतवार के लिए मैंने अभी वो बंदा हमारा एक दवाई छिड़क ही रहा है। वो बंदा जो है लंबी पत्ती जो सकरी पत्ती आती है उसकी इसमें दवाई चल जाती है, चौड़ी पत्ती के लिए उसकी निंदाई गुड़ाई हो जाती है। निंदाई गुड़ाई करवाते हैं। हाँ। तो यानी कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग खरपतवार नाशक भी दे दे तो अपनी फसल को भी नुकसान? नहीं नहीं, इसमें आजकल तो क्या है कि खरपतवार नाशक जो दवाइयाँ बनती है सकरी पत्ती की अलग आती है, चौड़ी पत्ती की अलग आती है। ये खेत चौड़ी पत्ती में आती है, इसमें सकरी पत्ती की खरपतवार नाशक दवाई डाल रहे हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। बाकी चौड़ी पत्ती में अगर कोई बचेगा तो ये निकल जाएगा, ये तो एक बार निकाल दिया बात खत्म। और जैसे अब 3 महीने बाद आप कह रहे हैं तो यानी कि मई में लगाया? हाँ, ये मैंने 15 मई को लगाया, 15 अगस्त के आसपास यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद क्या लगाते हैं आप यहाँ पे? भाई इसमें हम चाहें तो इसमें गोभी भी लगा सकते हैं, जिसका रोप के लिए अब क्यारी बना के अब डालेंगे जी। मेरा तो खैर इसमें बैंगन लगाने का विचार है, मैं बैंगन लगाऊंगा तो समझ लो कि आप इस टाइम पे आओगे जब तक भी बैंगन चालू मिलेगा, चालू हो जाएगा। नहीं, अगले साल इस टाइम तक भी बैंगन चलेगा। तो यानी कि काफी लंबी अवधि के लिए बैंगन एक साल तक चलता है। एक साल तक बैंगन कहीं भी हो एक साल तक चलता है, वो बहुत लंबी फसल होती है। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा, जैसे सर ने कहा कि 3 महीने की फसल है और बैंगन की फसल इसके बाद लेंगे जो कि लंबी अवधि की फसल है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने हमारी पुरानी वीडियोस में जाना है कि अगर आपको अपने खेत की उपजाऊ क्षमता, मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखना है तो आपको अगर शॉर्ट अवधि की फसल के बाद एक लॉन्ग अवधि की फसल लेना चाहिए और एक उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए। अब जैसे कि सर अपन यहाँ पे देखें तो 3 महीने में पर डे आप कह रहे हैं 1.5 महीने में फसल आ जाती है, यानी 45 दिन तक लगातार अपन को फसल देती है। हाँ, यानी कि मतलब अपन को 8,000 यानी 80 यानी 1 महीने का 240,000 का अपना हो रहा है। देखिए क्या होता है कि 240,000 का अपन ने तो जोड़ लिया। हाँ। पर अब मौसम क्या साथ देता है? बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने आपको शुरुआती दौर का अगर 80 रुपये किलो बताया तो बाद में जब मैंने तो मैं अकेला इंसान तो हूँ नहीं कि जो मैंने लगे हुई, बिल्कुल बिल्कुल भाई बहुत सारे लोगों ने लगे हुई और लगाते ही है, है ना। तो फिर क्या है धीरे धीरे भाव रिवर्स भी आता है, पर हाँ 30 रुपये किलो से फिर आखिरी तक भी कम नहीं बिकती है। लेकिन यानी कि मतलब 3-4 महीने के अंदर आराम से अपन 1 से 1.5 लाख रुपए की अपनी बचत तो हो ही सकती है। 1 से 1.5 लाख नहीं हुआ तो भी 1 लाख रुपया या 80,000 रुपये तो खरा है, खरा है, गिरी से गिरी हालत में। और मतलब प्रोडक्शन टोटल बात करें 1 एकड़ से तो कितना हो जाता है आप? भैया क्या होता है कि ये तो सब अब आजकल मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ कि मौसम का ही इतना फेरबदल हो रहा है। अभी जैसे इस टाइम पे पानी ही नहीं गिरा है जी जी, जबकि 2-5 इंची बारिश हो जाती है, अभी बोनी नहीं हुई है, हो ही नहीं है ना, है ना। तो ये सब आजकल क्या है कि मौसम के ऊपर ही सारी खेतियाँ चल रही है, मौसम सारे किसान जो है मतलब अगेती खेती भी करना चाहते हैं लेकिन करें क्या, अगाती बोदी सोयाबीन अभी लोगों ने हाँक दी। बिल्कुल, ये खेती में मतलब सभी है तो सारा रिस्क का मामला खेती में जी जी जी। पर अब क्या है कि भाई किसान है, खेती ही करना है तो खेती के हिसाब से करते जा रहे हैं भाई। अपना अपना दिमाग हर आदमी लगाता है या हर आदमी सोचता है कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, लेकिन भाई वो तो फिर समय बताता है भाई मैंने तो फसल पैदा की, मेरी मेहनत की है जी जी। भाई ऐसा होता है कि हर साल बेचता हूँ मैं जी जी। अब क्या मिले भाव क्या नहीं मिले समय बताए। बिल्कुल बिल्कुल। भाई पानी बहुत ज़्यादा गिर जाए या कुछ और प्रकृति द्वारा कोई नुकसान हो जाए तो फसल खराब भी हो जाए। अब यहाँ पे हमें सर के अनुभव से सीखने को मिलता है कि यहाँ पे उन्होंने देखी देसी के खेती में कई सारे चैलेंजेस होते हैं, आपदाएं आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, बारिश नहीं हुई या बारिश तेज बारिश हो गई या फिर मौसम अपना अनुकूल नहीं रहा तो उसमें अपनी फसल के प्रोडक्शन पर काफ़ी कुछ फर्क पड़ता है, वो होता है। तो ये और इन सब चीज़ों पे अपना इंसानों का कंट्रोल भी नहीं है, वो तो सवाल ही नहीं उठता ना भाई। वो तो खेत जो काम जिसका है भाई, खेती में तो सारे ही हैं, चोर भी आता है जी, डोर भी आता है जी, प्राकृतिक आपदा भी आती है भाई, कीड़े भी लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जी जी। पर उसके बाद भी भाई अपन तो अपना काम करेंगे, पर फिर भी क्या है कि कोई घाटे में नहीं रहता है भाई। मेरे हिसाब से तो घाटे का खेती में कोई घाटा नहीं होता है, सबको मिलता है और सारे किसान आज तक घाटा भी खा रहे हैं, नफा भी उठा रहे हैं, फिर भी खेती कर रहे हैं। बिल्कुल, और वो जरूरी भी है, ना चाहकर भी अपन को करना ही होगा। हाँ, करना ही क्योंकि कितने अपन तरक्की कर लें, कितने ही सुपर कंप्यूटर्स बना लें, लेकिन एट द एंड खाएंगे तो खाना ही, बस खेती तो करना ही है ना भैया। और जैसे कि आप इंदौर शहर के पास है, बिल्कुल इंदौर शहर के बीचों बीच ही है, बीचों बीच खेत है, करोड़ों रुपए की जमीन है, तो यहाँ पे सर खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, जैसे कि हम ऐसा मानते हैं कि जो शहरी इलाका होता है वहाँ पे मतलब सब्जियों के रेट और क्यों दिनमर्रा में लोगों को ज्यादा चाहिए होती है। हाँ। तो क्या जो गांव पे जो किसान खेती कर रहा है सब्जियों की, जो शहर के पास कर रहा है, तो उनमें उनकी जो कमाई करेंगे उन दोनों में अंतर होता है क्या? भैया क्या होता है कि खेती, आपका जो सवाल है कि शहर के लोगों को गांव के मुकाबले सब्जियां ज्यादा चाहिए, लेकिन क्या होता है कि
शहर में परिवार छोटे होते हैं, जो शहर आता है वो क्या होता है, मियाँ बीबी और बच्चे होते हैं उनमें, मियाँ बीबी और एक बच्चे, और गाँव में क्या होता है, पति पत्नी, उसके पापा ने, उसके दादाजी, उसकी बहू, उसके बच्चे, तो गांव में ही सब्जियां ज़्यादा लगती है। शहर में तो वो क्या करते हैं कि अगर पाव भर लेते हैं 250 ग्राम तो दो दिन का काम हो जाता है उनका। बिल्कुल, जितनी रोटियां शहर वाले खाते हैं उतनी तो गांव में बची जाती है जो गाय को डाल देते हैं। बिल्कुल सर, यहाँ पे जैसे कि अपन खेती ले रहे हैं तो आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो ज़्यादा नहीं आता होगा कॉस्ट, क्योंकि पास ही में मंडी है, फिर आजू बाजू के कुछ लोग भी यहाँ से खरीद लेते होंगे। हाँ खरीदते हैं ना भैया, बिल्कुल खरीदते हैं। और देखिए सब्जी या कोई भी चीज़ हो, आपका आलू हुआ, प्याज हुआ, जिसने उत्पादन तो किया, बाकी उसकी क्वालिटी बनना चाहिए। बिल्कुल, क्वालिटी अच्छी रहेगी तो बिकेगी भी जल्दी और अच्छे भाव में बिकती है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरी शहर के पास है, शहर के पास है और अगर कीड़े ज़्यादा लग गए हैं तो जो दूर दराज गाँव से आएगा उसका माल अच्छा बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो उससे शहर गाँव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। क्वालिटी अगर अच्छी है तो सबका माल अच्छा बिकता है। और ऐसा भी नहीं, मंडी हमारे पास में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इंदौर मंडी जिसको बोलते हैं, बाकी वहाँ पे भी ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ क्वालिटी ही बिकती है। आपका माल अच्छा है तो आपको अच्छा दाम मिलेगा। मेरा नहीं, हर किसान का, हर किसान का, कोई भी किसान, कोई गांव का, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, अगर वो क्वालिटी अच्छी लाया तो यहाँ क्वालिटी ही बोलती है, क्वालिटी ही चलेगी। वो गाँव हो या शहर हो उससे कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे ये बालोर है, हाँ, इसको मतलब कुछ यहाँ पे अलग नाम से भी जानते हैं क्या भैया? क्या होता है कि अब देखिए मैं तो किसान हूँ तो भाई मैं तो हिंदी नाम ही, भाई इंग्लिश में उसका नाम कुछ और होगा, वो कुछ और होगा, जैसे पढ़े लिखे लोग और कुछ बोल नाम से पुकारते होंगे। भाई हम तो जैसे बालोर को बालोर, हल्दी को हल्दी, धनिया को धनिया, गोभी को गोभी बोलते हैं। जी जी। बाकी अब जो नाम है वो अलग अलग होंगे तो अलग बात हो गई। सर जैसे कि अगर हमारा जो कोई दर्शक, कोई किसान हमसे देख रहा है, वीडियो देख रहा है, तो आप उनको क्या सुझाव देंगे? मेरे हिसाब से किसान अगर है तो उसको एक ही खेती के पीछे मत नहीं भागना चाहिए। अगर 4 एकड़ ज़मीन है तो वो हर एक एकड़ नहीं तो आधा एकड़ में कुछ अलग अलग सब्जियाँ भी लगाएगी, जिससे अपनी रोज पैसे आते रहें कुछ दिनों के। भाई सब्जियाँ क्या है, 1.5 महीने में चालू हो जाती है। अगर अपन ने सोयाबीन लगा दी तो 3 महीने बाद पैसे आएंगे, गेहूँ लगा दिया तो फिर 4-5 महीने बाद आएंगे, प्याज लगा दिया तो भी 5 महीने इंतजार करना पड़ेगा, लहसुन लगाया तो भी 5 महीने। अगर जिसके पास 4 एकड़ ज़मीन है और अगर किसान बोलता है कि यार मेरे को यार पैसे नहीं आ रहे हैं या सरकार से मैं मदद चाहता हूँ, तो उसको सरकार की ज़रूरत नहीं है। अपने हिसाब से बहुत सारी हर कस्बे हर गांव में पास में मंडियां या कुछ भी ठेला लगा के ही बेच सकता है आदमी। घर से सब्जियां जाती हैं, यहाँ भी गांव में लोग बेचते हैं। कुछ कुछ एरियों में जो कम ज़मीनों में लगाते हैं, पालक लगाते हैं, कोई मेथी लगाता है, कोई धनिया, कम से कम आधा आधा एकड़ ज़मीन में सब्जियां कुछ अलग अलग तरह लगाओ, उससे सीखने को ही मिलता है और माल भी बिकता है और क्या है कि पैसे आते रहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे एक मेन बात ये, इसका फायदा ये भी है कि अगर एक ही तरह की फसल लगा दी, हाँ, और कोई एक रोग लग गया तो सारी खत्म हो जाएगी, सारी खत्म हो जाएगी, तो आपका पूरा नुकसान। और अलग अलग तरह की सब्जियां हैं या कुछ भी है तो सब में से हो सकता है इस चीज में भाव अच्छा मिल जाए। भाई मैंने इधर ये हल्दी लगाई है, सॉरी ये बालो लगाई है, इधर मैंने फूल लगाए हैं, उधर लौकी लगाई है, उधर हल्दी लगे, ये मेरे को क्या है, सारी चीज़ों का अलग अलग पैसा मिलता है। बिल्कुल सर, कम से कम एक बार चालू होने के बाद हर 8-15 दिन में कुछ पैसा तो आता है। बिल्कुल सर, पैसा अगर आता है तो कुछ भी काम चलता है। बिल्कुल। और साइड में कुछ अपना जैसे रेगुलर पैसा आ रहा है तो अपन अपने नीचे और लोगों को भी रख सकते हैं, अपन शाम को थोड़ा समय लगा के देखने आ जाओ, देखभाल करने आ जाओ, उनको बता दो कि आप ये कर लो, फिर अपन साइड में अपना और कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, तो ये सब फायदे भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और मेरा मानना है कि कोई भी इंसान हो, किसान हो या कोई अदर बिजनेसमैन हो, नौकरी करते हो, आपको एक आय पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल, एक आय पे डिपेंड रहेंगे तो कैसे क्या काम चलेगा, वो आय तो सीमित है ना। बिल्कुल भाई, कहीं कई इस बार क्या होता है कि लोगों ने, खैर हमारे गाँव की बिजलपुर शहर या आसपास के क्षेत्र में तो जाता आता रहता हूँ, मेरी फिर आसपास भी कुछ ज़मीनें हैं जी, तो लोगों की सोच ये थी कि भाई लहसुन हम लगा दो यार गेहूं से तो नहीं पड़ेगी, जबकि गेहूं 2000 रुपये क्विंटल बिकता था हर साल। लोगों ने इतनी लहसुन लगा दी एक तरफ से, सब जिसको भेड़ चाल कह सकते हैं अपन, भेड़ चाल चली, लहसुन और प्याज ही लगाया से पर, तो लहसुन आज की तारीख में 500 से लगा के 1500 रुपये क्विंटल बिक रहा है। बिल्कुल। अब लोग कह रहे थे कि गेहूं से नहीं पड़ा, मैं तो उसको उस आदमी को ये लाना चाहता हूँ कि जो बोल रहा था गेहूं से नहीं पड़ेगी, गेहूँ आज 2500 रुपये 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा है, खर्च नहीं उसमें। बिल्कुल। लोग भेड़ चाल चलते हैं, वो उसकी वजह से मार खाते हैं। वही है सर, अपने विवेक से और अपनी नॉलेज के अनुसार काम करें और लगातार सीखते रहें। कुछ बस वही कह रहा हूँ मैं, कुछ कुछ खेती अलग अलग तरीके करो तो उससे पैसे की आवक बनी रहती है। भाई परिवार के खर्चे चलते रहते हैं, पैसे तो रोज चाहिए। बिल्कुल। रोज पेट्रोल भराना
अपने को, तो फिर वो कहाँ से लाएंगे पैसे? किसानों ने आज मान लो 10,000 रुपये कुंटल का बीज लगाया था लहसुन का, या 8,000 रुपये कुंटल का लगाया था, और उसमें एक बीघा में 40,000 रुपये की लागत लगी थी जी। अब लहसुन जब से बेच रहे हैं लोग, जब से बेच रहे हैं, उसकी जो लागत भी नहीं निकल रही है बिल्कुल, तो फिर क्या फ़ायदा है? बिल्कुल, फिर वो बात आ जाती है कि किसान आत्महत्या, फिर बोलते हैं कि अरे यार हमको तो ये सरकार ने ये नहीं करा, वो सरकार को ऐसा करो, सरकार को दोष देने से क्या होता है? बिल्कुल सर, सरकार आपके घर में तो कूद नहीं सकती, ला के दे नहीं सकती है। बिल्कुल सर, आप सारी बहुत सारी चीज़ें, गेहूँ है, चना है, आज चना 50-60 रुपये किलो बिक रहा है, चना लगाते नहीं है। हाँ, आजकल हमारे एरिया में भी गेहूँ चने बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि प्याज और लहसुन का जो कल्चर है, सबको पैसा भाई हर साल थोड़ी भाई, मैंने भी पिछले साल भी मैंने तो 75 रुपये किलो लहसुन थोक में दिया, मतलब अपने यहाँ से बॉम्बे पहुँचाया था जी, तो फिर मेरे को भी पैसे मिले, इस साल मेरे को भी घाटा गया, पर मैंने कम लगाया था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सर, भाई मैंने सारी चीज़ें, अभी मैंने सोयाबीन लगाई है, अभी मैंने करीब 6 एकड़ में मैंने कद्दू लगाए, कद्दू भी लगाया, हाँ, जो कि मतलब चालू होने की कगार पे। अभी मैंने, अब क्या है, मेरे को उधर से भी पैसा आएगा, इधर से भी पैसा आएगा, तो फिर वापस आलू लगाना है, गेहूँ भी लगाना है, तो ये सब अलग अलग। मैं अगर सारी चीज़ों में अगर सोयाबीन की फसल लगा दूँगा भाई, आज अगर मान लो 30 एकड़ ज़मीन है मेरे पास और सब में सोयाबीन लगा दिया, तो आज से ही बैठना है मेरे को, उसमें खर्चा करना है 3 महीने तक। बिल्कुल, फिर अब बारिश के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी बारिश होती है, बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है। भाई नी भी निकले, 1 क्विंटल बिघा के भी निकले, और 6 क्विंटल भी बिघा के एवरेज दे, बिल्कुल सर, तो वो फिर 4 महीने बाद की बात है। बिल्कुल सर, पर आज क्या करेंगे? हाँ, अपन को उपयोग तो लेना है आज, आज तो फिर अब क्या करना, पैसा कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल सर, तो इसमें क्या है कि भाई मेरी सोच तो सिर्फ ये है कि भाई 1-2 एकड़ में कुछ ऐसी चीज़ें लगाएं कि जिससे अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी, भाई मैंने सब्जियाँ भी लगाई है भाई, मेरे यहाँ पे मैं इस 3-4 एकड़ ज़मीन में मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है भाई, कुछ बैंगन लगा रखे हैं घर पे, सब्जियाँ हो जाए, गिलकी भी लगा रखी है जी सर, बोर लौकी लगा रखी है मैंने, बालो लगाई है भाई, 5-6 तरह का आइटम मेरे खुद के पास ही है जी सर, तो कम से कम ये सब्जियाँ भाई मेरे घर पर तो काम आएगी। बिल्कुल, तो मेरे को तो यही बचत है। हाँ सर, ऐसे अपना खुद का खाना अपन खुद ही उगा रहे हैं भाई, आलू मेरे पास है, लहसुन मेरे पास है, प्याज मेरे पास है, गेहूँ मेरे पास है, फिर मेरे को खरीदना क्या है? इसके अलावा फिर अगर अपन ऐसा कर रहे हैं तो ये भी है कि आजकल मार्केट में अपन इंजेक्शन देखते हैं, कई सारी चीज़ें देखते हैं। देखिए भैया क्या होता है, वो लालची लोग है और वो उससे कुछ भी नहीं होता है, ये सब हत्यारे लोग हैं, इनका तो बस वो मरण ही होता है, कभी इनको नुकसान ही होना है, ये तो सब चीज़ें नकली बनती है, अपन देखते आ रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होना है, और क्या होगा उससे? बिल्कुल सर, सब अपना उत्पादन करो, अपन पैदा करो, खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, और किसानी में मेरे को मेरी सोच के हिसाब से कभी घाटा नहीं है, पर सब मैं किसानों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि भेड़ चाल चलना बंद करें, अलग अलग तरह की सब्जियाँ लगाएं, अलग अलग तरह का, अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो 2 एकड़ में गेहूं लगाओ, 2 एकड़ में चना लगाओ, 2 एकड़ में लहसुन भी लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ लहसुन प्याज का, आलू का, आलू भी लगाओ, पर कुछ सब्जियाँ भी लगाओ, तो उससे क्या है कि अपने घर पर सब्जियाँ अपनी इस्तेमाल होती है, अपन खाएं, प्लस उससे बेच के भी अपने को कुछ पैसे आएँ। बिल्कुल सर, और क्या है कि जब अपन ने 5 चीज़ लगाई है तो किसी न किसी में तो भाव अच्छा मिलेगा ही सही, और उसमें क्या है कि फिर सबकी खेती का समय जो चक्र होता है वो भी अलग अलग, कोई 2 महीने में फसल आती है, कोई 3 महीने में आती है, कोई 5 महीने भी आती है, उससे बचत है फिर अंकल, पैसा बीच बीच में आता रहेगा तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पशु वशु भी रखते हैं तो क्या गोबर का खाद का भी इस्तेमाल करते हैं? भैया क्या है कि आजकल मैं तो क्या कोई भी पशु नहीं रखना चाहता है, मेरे पास भी एक ही गाय है जी, और उसका भी कोई गोबर इतना होता नहीं है, पर ठीक है फिर भी जो भी होता है कुछ खाद खरीद के भी डालते हैं जी। 1 एकड़ में अगर मान लो हमने 2 ट्राली या 3 ट्राली डलवा लिया तो फिर वो क्या है कि 2-3 साल की छुट्टी हो जाती है। बाकी आजकल तो सही मायने में देखा जाए तो खाद है ही नहीं, खाद है गोबर खाद है ही नहीं, खाद है नहीं, रासायनिक खाद पे ही खेती होती है। हमारे यहाँ क्लाइमेट भी बहुत अच्छा मिलता है, कई बार होता है नुकसान, पर ठीक है चलता रहता है। तो दोस्तों मेरे किसान भाइयों, ये थी हमारे लखन जी से बात, आपने आई होप कि इनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा, फसल के बारे में जाना होगा। अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि पूरा इनका फार्म घुमाएंगे, लेकिन अभी मौसम अनुकूल नहीं है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगी है, तो हमें कैमरा इक्विपमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इस वजह से अभी, और लेट भी हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, तो इस वजह से अभी वीडियो नहीं बना रहे। और मैं और आप भी कमेंट में थैंक यू करिए लखन जी का कि उन्होंने इतनी सारी जानकारी साझा करी हमारे साथ, और हमें भी काफ़ी कुछ अच्छे से ट्रीट किया, आम खिलाए, उनके फार्म में काफ़ी पेड़ हैं तो काफ़ी अच्छे से हमें ट्रीट किया, ऐसा नहीं समझा दूसरे लोग हैं, अपना समझ के मतलब उनने हमारी आव भगत की, तो बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लखन जी का भी मनोबल बढ़ेगा, ऐसे कई सारे किसान हैं जो कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप भी कुछ हमारे साथ जानकारी शेयर करना चाहते हैं इंदौर के आसपास से तो हमें कमेंट कर दें, आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी कमेंट कर दें, हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम।